रायपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीएम साई का बयान सामने आ चुका है। नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता को लेकर सीएम ने कहा, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिल रही है। अभी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने में हमने नक्सल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा बयान सीएम साई ने दिया, क्या कुछ कहा सीएम साई ने, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार को लगातार नक्सलों के साथ लड़ाई में सफलता मिल रही है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने में ही हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी 8 महीने में 2 बार आकर हम लोगों का, हमारे प्रदेश के जो जवान हैं, जो सैनिक बल है, उनका हौसला अफजाई किए हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। तो देखिए, 8 महीने ही हमारी सरकार को हुए हैं, ये कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। और 8 महीने में जिस तरीके से नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सलवाद को जड़ से जड़ खत्म कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में, ये कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में लगातार सफलता मिल रही है और जिसको लेकर सीएम साई का बयान सामने आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अनमोल, लगातार जैसा कि सरकार का फोकस है, अमित शाह ने भी कहा था 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, सीएम साई ने बयान दे दिया, कहा है कि 8 महीने हुए हैं और इस तरह का ऑपरेशन हमने चला दिया, तो सोचिए आगे क्या होगा। सीएम ने संकेत दे दिया है कि नक्सलवाद 2026 से पहले ही कहीं ना खत्म हो जाए छत्तीसगढ़ से। अब बिल्कुल रसिका, देखिए सीएम जो है राजभवन पहुंचे थे शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होने, इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ संकेत दिया है कि देखिए बहुत कम समय का वक्त रह गया है, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और उन्होंने रसिका जोर देकर एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए हमें आए हुए अभी सरकार में सिर्फ 8 महीने हुए और इस 8 महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार छत्तीसगढ़ पधारे और दोनों ही बार जो है उन्होंने सेनाओं का और सशस्त्र बलों का जो है मनोबल को बढ़ाया है, उन्होंने हौसला अफजाई किया है। यही वजह है कि लगातार हमें नक्सल मोर्चे पर सफलता मिल रही है, लगातार बस्तर में देखिए मुठभेड़ हो रहे हैं, लगातार खबरें ये आ रही है कि इतने नक्सली मारे गए। आज भी देखिए खबर आई है कि बीजापुर से जहां पर 6 नक्सली जो है वो मार गिराए गए हैं, तो बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है अनमोल, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब बस्तर नक्सल मुक्त बस्तर कहलाएगा। और तमाम जानकारी के लिए अनमोल शुक्रिया आपका।